मैडम जी की पाताला। क्या कहते हो भैया? प्लीज या प्लीज, आप बताओ भगवान ये प्लीज कैसे बोला जाता है? प्लीज ना, या प्लीज 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 बोला था प्लीज। ए भगवान, हमारी मनोकामना पूरी करना प्लीज। प्लीज 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 आ गए होगा। अरे अंग्रेजी में प्लीज प्लीज रटने से किसी को अंग्रेजी नहीं आ जाती चौधरी, उसके लिए जो है ना दिमाग की जरूरत होती है प्लीज। देखो ठाकुर, हम तुम्हें सही कह देते हैं प्लीज, कि इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, वरना बहुत बुरा हो जाएगा प्लीज। अरे नहीं तो क्या कर लोगे हा? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? ए मूछों को मोम लगा के तान लेने से कोई गीदर शेर नहीं बन जाता प्लीज। अरे क्या वक्त है प्लीज। अरे हम गीदड़ नहीं, तुम्हारा खानदान है गीदड़ प्लीज, हम तो शेर है शेर प्लीज। अरे तुम शेर हो तो हम सवा शेर है प्लीज। अरे प्लीज 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 बोलो प्लीज बोलो प्लीज बोलो प्लीज। क्या है ये प्लीज? अपनी अपनी बंदूक के अंदर रखिए, नहीं तो हम दफा 302 लगा के अंदर कर देंगे आप लोगों को प्लीज। जब देखो बात बात में बंदूकें निकाल लेते हैं आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है देख लेंगे हम प्लीज। अरे तुम क्या देखोगे, हम तुम्हें देख लेंगे प्लीज। अरे देखेंगे तो हम आओ प्लीज, हम देखेंगे प्लीज। अपने घर जाओ ना, हम देखेंगे प्लीज। हम तो बोल रहे हैं प्लीज 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 प्लीज। चमेली देवी को जाके बोलता हूँ प्लीज 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 प्लीज। पंडित जी बहुत बहुत अच्छी बात है, चलते हैं हम रेडी सीख गए पंडित जी। प्लीज ये दान है ना, बहुत उस्ताद है। प्लीज अरे भाई क्या हुआ? अरे अरे पसंद कर रहे हैं बच्चे, अरे जा दो जा दो पैदा करके छोड़ दे तेरी में। अरे प्लीज कर रहा है अरे यही लिए जौन है नयन सुख चाचा से कही रहा है कि पैजामा पहन के चला करो प्लीज प्लीज पैजामा पहनो। पहन लेंगे प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जाओ। पता नहीं पैदा कर करके छोड़ देते हैं धोतियां खींचने के लिए। चमेली देवी कहाँ है? जयराम जी। अरे आप यहाँ क्यों आ रही हैं? चली जाकर बैठिए। अरे आप ही तो बुला रही थी ना। अरे बैठिए तो सही, पहले बुलाती हैं भैया फिर बोलते हैं। बैठ जाइए बैठ जाओ। देखिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। अटेंडेंस और डांस? मैडम हम लोग डांस करते नहीं, हम तो सिर्फ डांस करवाते हैं। अरे मैडम आप डांस देखने की अगर इतनी शौकीन है तो आइए, इतवार को आइए, हमारी गुलाबो इतना बढ़िया चल रहा है। ये क्या भके जा रहे हैं आप लोग? मैं कोई डांस वांस करने को नहीं बोल रही हूँ। तो मैं आप लोगों की हाजिरी ले रही हूँ। अच्छा अच्छा हाजिरी ले रही है? ओ हाजिरी तो ऐसा करना भैया, हाजिरी ले रही हाजिरी ऐसा कहिए ना। मैं वही बोल रही हूँ, आप लोग अपनी बकवास बंद करिए और मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस लूंगी, आप अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर यस मैडम बोलेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। चमेली देवी। यस मास्टर नी जी। सज्जन सिंह। यस मैडम। ललन सिंह। यस मैडम। दबंग पांडे। यस मैडम। हिलो मत। नानसुख चाचा जी आए हैं आप? जी सुबह ही आया था। पंडित जी
पंडित जी कहाँ हैं? अरे ये सब क्या है? आप प्लेट लेके यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हैं? अरे मैडम, बात दरअसल ये है कि हमारी पंडिताइन खाना बनाने में थोड़ा देर कर रही थी, तो हमने सोचा कि अगर यही खाना हम घर में खाएंगे बैठ के तो पाठशाला जाने में समय लगेगा। हमने सोचा चलो भाई आज हम खाना खाते हुए पाठशाला चलते हैं। मारी ये पाठशाला है, धर्मशाला नहीं। चलिए पेट बाहर रखिए और अपनी जगह पर बैठिए। नहीं नहीं, वहां नहीं, बाहर रखिए। क्या जी मैडम? अरे वाह, चलिए बैठिए। शांति से बैठिए। हाय एवरीबॉडी। हाय मैडम। हाय मैडम। हाय हाय। मैंने आप लोगों से कहा था ना, हाय सिर्फ एक ही बार बोलते हैं। हाय मैडम। सॉरी नहीं, सॉरी। बैठ जाइए मैडम, मुझे नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है, अब आप ही संभालिए इन लोगों को। भाई आज मैं आप लोगों को ए बी सी डी, ये जो पहले चार अल्फाबेट है वो सिखाऊंगी, ठीक है? आप लोग लिखना। हाँ ठीक है। आप लोग कॉपी करिए अपने नोटबुक में। ए बी बी लंबी लाइन खींच के तो पेट बना दो। सी आधा गोल सी और पेट फाड़ के डी डी लिखा आप लोगों ने। चमेली देवी जी, जी आप अपनी नोटबुक दिखाइए। अरे बहुत ही आसान है, चाहे तो हम आंख बंद करके भी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी दिखाते हैं। हाँ। चमेली जी हाँ। हमें भी दिखाइए ना। अरे हम तो जो आपने लिखा है उसको देखने की बात कर रहे हैं। अच्छा तो कौन मास्टर है जो तुमको दिखाए? इसी बात की ना तो घुमा कर देंगे कान के नीचे। खुद को कुछ आता नहीं ना लायक, और हमसे पूछ रहा है दिखाइए दिखाइए। अब आप देखिए, देखिए लिखा है हमने। अरे वाह, वेरी गुड, ए बी सी डी बहुत अच्छा लिखा। शुक्रिया। अरे चौधरी जी। जी मैडम। आप दिखाइए। कहाँ दिखाए मैडम? अपनी नोटबुक दिखाइए। अरे ये क्या लिखा आपने? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी हैंडराइटिंग है? मैडम आप ही जरा बताइए ना कि कैसे लिखते हैं। ठीक है। अरे मिर्गी का दौरा पड़ गया। मिर्गी का दौरा। आप कुछ नहीं आप बता रहे हैं। चलो चलो चलो। अरे का दौरा पड़ गया। इसको जूता सुधार। जूता उतार रहा हूँ। जूता हमें कुछ नहीं हुआ। मिर्गी का दौरा। आप कुछ नहीं आप बता रहे हैं। नहीं मैडम आप जारी रखिए, ये क्या है कि आज हमारे रगों में खून जरा ज्यादा जोर से दौड़ रहा है। आप लिखते रहिए। ठीक है। ए ए फॉर एप्पल। मैडम मैडम जरा जरा ये तो देखिए देखिए हमने कितना गलत समझ लिख दिया एक सब। अरे बाप रे ठाकुरवा, ये क्या तुम बरसाती मेंढक की तरह बीच में टैट टैट करने आ गया हो? चलो निकलो निकलो, देखो नहीं मैडम हमें सिखा रही हैं। अरे तो रे सिर पे क्या सींग उगाए हैं? जो पहले मैदान तुम ही मार लोगे? अरे हम भी तो हैं। ये लो ये लो। अरे देख नहीं रहे हो, हमें सिखाने में मैडम को कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। तुम जाओ अपनी जगह पर बैठो। 2-3 घंटा? अरे चुप, हम कह रहे हट हट। अरे अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट
कोई लड्डू नहीं बन रहे जो आप लोग झगड़ा कर रहे हो। बात कुछ वैसी ही तो है मैडम। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम बताए रहे थे वही सब देखे तो। जाइए बैठे अपनी जगह पे, आप ही जाइए। हमको थोड़ा सा छू तो दीजिए ना मैडम। मैडम इसके हाथ मत लगाना, ये जब से सुबह जंगल गया ना इसने हाथ नहीं धोए हैं। आप मैडम इस पे भरोसा मत कीजिए। हाँ ये 25 दिन से नहाया तक नहीं है, देखिए बास मार रहा है यहाँ तक। तो कैसी बात कर रहे हो तुम मैडम? आप देखिए, आप हमें सुन के तो देखिए। Disgusting! ये आप क्या कर रहे हैं? अब बाहर जाएं, क्लास के बाहर जाएं, दोनों का जाओ बाहर, जाओ बाहर निकल जाओ। जाएं तो इसे बाहर जाइए ना मैडम। प्लीज देखिए मैडम, आप लोग अगर क्लास के बाहर नहीं जाएंगे तो मैं आप दोनों को इंग्लिश नहीं सिखाऊंगी। अच्छा मैडम सारी, गेट आउट, सारी प्लीज, सारी प्लीज मैडम, बाहर जाओ जल्दी। अरे हमें पढ़ना भी तो है, हम लोग भी पढ़ना, हमें तो पढ़ना, दो बाहर जाओ। हाथ धो के आना, हाथ धो लो। अरे सुंदर जमाने में पढ़े नहीं। एक बात कह देते हैं, हाँ? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से। अरे क्या जरूरत थी मैडम और हमारे बीच में तुम्हारी मुंडी घुसाने की? अरे काहे नहीं मुंडी घुसाएंगे भाई, है? मैडम का तोहरे अकेले की जायदाद है, उन्हें छूने का ठेका तुमने अकेले ने रखा है। लोग क्या करें? ओ देखो मैडम जी को हमने नहीं छुआ था, मैडम जी ने हमको छुआ था, वो भी जानबूझकर। हाँ। देखो देखो ये तो बहुत बड़े सालिग्राम का पत्थर है जो मैडम खुद नहीं चाह के छुएंगी। देखो हम पत्थर हैं या पायल है उससे तुम्हारा क्या लेना देना, लेकिन तुम कोई हूर हो जो जिसके दिन बदलते ही नहीं है। क्या मतलब? अरे आप लोग यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हैं? चलिए क्लास के अंदर जाइए। अरे मैडम जी ये सब इस छिछोरे ठाकुर की वजह से हुआ है। अरे बताए इसकी वजह से मैडम ने हमको कक्षा से बाहर निकाल दिया है। क्या कच्चा से बाहर निकाल दिया? मेरा मैडम जी मतलब वो नहीं कच्चा था, मतलब क्लास से बाहर निकाल दिया है। मैडम जी देखिए आप बड़ी मैडम जी से कह के हमें फिर कक्षा में भिजवाइए ना। सॉरी सॉरी मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अब मैडम जी अब एक काम कीजिए, ये रख लीजिए चाय पानी के लिए। व्हाट इज दिस? क्या है ये? आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? राम 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 कैसी बातें कर रहे हैं, रिश्वत? अरे नहीं नहीं मैडम जी, सरकारी काम में जब भी कोई सरकारी बाबू से काम करवाना होता है तो थोड़ा बहुत चाय पानी देना पड़ता है। आप साहब शर्मा रही थी तो हमने कहा कि हम खुद ही दे देते हैं। इसे चुपचाप अपनी जेब के अंदर रखिए। आपने मुझे सरकारी दफ्तर का बाबू समझा हुआ है? अगर मैडम को इस हरकत के बारे में पता चला ना तो आपको क्लास से क्या स्कूल से ही बाहर निकाल देंगे। अगर आपको क्लास के अंदर जाना है तो मैडम से माफी मांगे। आप बताइए पंडित जी। जी ए फॉर अपील। अपील नहीं, हाँ एप्पल, एप्पल, एप्पल। बैठ जाइए। आप बताइए बी फॉर बास। शाबाश शाबाश। बी फॉर बास नहीं, बी फॉर बॉल। बॉल यानी गेंद। अब बॉल। गुड पांडे जी आप बताइए सी फॉर। सी फॉर चमेली। सी फॉर चमेली नहीं, सी फॉर कैट। कैट यानी बिल्ली। तो इनमें और बिल्ली में ज्यादा फर्क थोड़ी है। मकलोल बकरा है। देखिए आप खुद ही देखिए, बिल्ली की तरह झपटा नहीं मार रही क्या ये? मैडम जी देखिए कैसी बदतमीजी कर रहा है, हमें बिल्ली बिल्ली बोल रहा है, चूहा कहीं का। देखिए आपसे जितना बोला जाए उतना करिए। सी फॉर बिल्ली। काट काट। बैठ जाइए। बदतमीज। चमेली देवी जी हाँ आप बताइए डी फॉर दबंग पांडे। डी फॉर डोंकी। डोंकी आने गधा। तो इसमें और गधे में फर्क लिखा है क्यों भैया? चमेली देवी जी आप तो बहुत समझदार है। हाँ हाँ आप भी इनकी तरह हरकत कर रही हैं। उसके लिए सारी मास्टरनी जी, उका है कि हम किसी का उधार नहीं रखते, बस उसी वक्त चुका देते हैं। हाँ आप लोग यहाँ सिर्फ पढ़ाई करें बस। चलिए अंदर। ठीक ठीक है चलो। देखो किसी ने हमारी मास्टर जी को तकलीफ देने की कोशिश की ना तो हम उसे भूम के रख दूंगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैडम जो अंग्रेजी सिखा रही है ना, चुपचाप वो अंग्रेजी सीख लो, अपने अपने घर फूट लो। एक मिनट, मैंने आप दोनों को क्लास के बाहर भेजा था, अब अंदर क्यों आए? मैडम मैडम हमसे गलती हो गया, सॉरी प्लीज। वो कहा है ना, हमको हमारी गलती का एहसास तभी हुआ जब आपने अपनी कक्षा से हमको निकाल बाहर किया। हाँ मैडम, आप कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी कक्षा से हमें बाहर मत निकालिए। कक्षा मत बोल, क्लास बोल, क्लास क्लास। ठीक है ठीक है, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए और आइंदा से प्लीज कोई शरारत मत करना। जी जी जी, ठीक है मैडम। बंदूक रखिए अंदर आप लोग। मैडम आप इन लोगों के चक्कर में आप एक खास दिन भूल गई हैं। कौन सा खास दिन? हैप्पी बर्थडे मैडम। कोमल मेरा बर्थडे कल है, आज नहीं, तुम भूल गई? चलो मुझे भी तो बोलने दीजिए। बोलो भाई। बर्थडे मतलब जन्मदिन, कल मैडम का जन्मदिन है। तो कल आप लोगों की क्लास शाम को लगेगी, ठीक है? तो कल शाम को आना है। शाम को? फिर तो हम तो खाना खा के आएंगे। चलिए क्लास ओवर। हाय मम्मी, सॉरी मैंने आपका कल फोन मिस कर दिया। मैं भी आपको बहुत 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 मिस कर रही हूँ। काश मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट कर पाती, लेकिन खैर आप ना सही, लेकिन आपका दिया हुआ हार तो मेरे पास है और मैं उसको जरूर पहनूंगी। ओके मम्मी, बाय, लव यू। वाओ मैडम, आप अपनी मम्मी वाला हार पहनेंगी? वाओ, वो कितना खूबसूरत और कीमती हार है। हाँ, और वो मेरा फेवरेट भी है। चलिए। करूं सजदा करूं क्या मैं भी चाहूं, सजदा करूं तुम्हें तुम्हें कैसे चाहूं। हाय हाय चौधरी साहब, अरे भाई किस उधेड़ बुन में हैं आप, माल निकाल के? अरे उधेड़ तो मैडम जी ने दिया है, हम तो बस बुनने में लगे हुए पंडित जी। हम इसका मतलब कुछ समझे नहीं। अरे क्या समझोगे तुम पंडित जी, ये दिल की बात है। आपके दिल को क्या हुआ है माल निकाल के? कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल अजीब अजीब सा धड़कने लग गया है। कुछ खाते हैं तो भूख नहीं लगती, कुछ पीते हैं तो प्यास नहीं लगती, बस यूं समझो कि कुछ गुदगुदी से होने लग गई है। तो भाई इसका मतलब यह है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है, वही लक्षण है माल निकाल के। अरे ये दिल का दौरा नहीं है पंडित जी, ये इसक का दौरा है, इसक का। इस दौरे के बारे में तो हमें कोई जानकारी है नहीं। अरे तुम्हें कैसे पता होगा? अरे तुमको मंदिर का घंटा बजाने से फुर्सत मिलेगी जो तुम इस दौरे के बारे में जानोगे। अरे हम मैडम जी को पटाना चाहते हैं, उनसे प्रेम हो गया हमको। जी बात है माल निकाल के। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ओसामा और ओबामा की बात करने बुलाए थे यहाँ पर? अरे ऐसी कोई तरकीब बताओ जिससे मैडम जी हमारे करीब आ जाए। अरे भाई मजा मैडम के करीब जाने में नहीं है चौधरी साहब, मजा तो तब मिलेगा जब मैडम जी आपके करीब जाए। हाँ मैडम जी हमारे करीब कैसे आएंगी? हाँ अरे एक बढ़िया सा उपाय है। उका मैडम की आंख से होके और दिल में उतर जाओ। उका अरे मैडम का कल जन्मदिन है,
बस आप एक सुंदर सा उपहार लेके जाओ, मैडम के दिल में उतर जाओ माल निकाल के। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो उपहार हम मैडम को दे रहे हैं वो सबसे अच्छा उपहार हो? ये भी तो हो सकता है कि ठाकुर हुआ हमसे अच्छा उपहार लेके पहुंच जाए और मैडम उसी से पट जाए। हाँ, ये भी बात तो हो सकती है। एक मिनट पंडित वाह, जो उपहार हम मैडम जी को देंगे वो इस गांव का सबसे अच्छा उपहार होगा। बस ये पता लगाओ कि मैडम जी को ठाकुर हुआ कौन सा उपहार दे रहा है। जाओ चौधरी साहब, हम चले। आ जाओ। मेरा मतलब है कि हम चले। अरे यार तुम मानोगे नहीं, पी दो। अच्छा नमस्कार। सांस दिल को संभाल के रखना। आंखों में तू बोलो तुम्हें क्या देख क्या रहे हो? कभी शक हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, इसीलिए ये हालत तुम दोनों। दिल में है तू, सांसों में तू,